हेलो गाइस, आई एम हर्षित वर्मा। तो आज हम खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट वन चंक सर्वाइवल। तो बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारे, मतलब इसके अंदर आप कह सकते हो कि बहुत सारे जगह होती है, मतलब इसके अंदर जैसे आप खोदोगे तो एक और प्लेटफॉर्म आएगा, उससे नीचे खोदोगे तो एक और प्लेटफॉर्म आएगा, और उसके नीचे जैसे आपको बहुत सारी लूट्स भी मिल सकती है, तो उससे आपको लास्ट में एंडर ड्रैगन को मारना पड़ेगा, जो कि गाइस मैंने बहुत बार ही किया हुआ है, पर मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई हुई, तो आज हम बनाने भी वाले हैं। पर वन चंक सर्वाइवल के अंदर, तो यहाँ पे एक ट्री है तो हम ट्री भी माइंड कर लेते हैं। हम बस इस पूरे ट्री को माइंड कर देते हैं गाइस, आगे जाके तुमको वैसे ही नॉर्मली मिल ही जाएंगे सारी चीज़ें। ये किया माइंड, ये भी, और ये हो गए सारे माइंड। और फिर इसके बाद में इसके ओक वुडन प्लैंक्स, एक क्राफ्टिंग टेबल, बस ये दो तीन बस। उसके बाद में मैं क्राफ्टिंग टेबल को तो यहाँ पे लगा देता हूँ। उसके बाद में बस एक पिकैक्स बना लेते हैं गाइस, और एक एक्स, बस गाइस इतने ही काम आएंगे हमको, बाकी के हमको स्टिक्स भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गाइस। स्टिक्स आगे जाकर हमको अगर माइनिंग करनी पड़ गई तो हमको गाइस बहुत सारे, मतलब लूट्स वगैरह मिल सकते हैं, जिससे हम आराम से फिर दूसरे टूल्स भी बना सकते हैं। नीचे हमको शायद कोल भी मिल जाएगा, तो हम बीच रास्ते में जितना भी कोल मिलेगा सारा कोल लेकर जाएंगे। वैसे भी आइटम बोले मंदे है क्या इसको, गाइस लिटरली कुछ दिख भी नहीं रहा मेरे को, इसको हाथों से मारना पड़ेगा। बाय द वे इस चेस्ट के अंदर क्या मैंने ये देखा ही नहीं। ओ भाई साहब डायमंड, वैसे वन चंक के अंदर शायद डायमंड भी नॉर्मल ही होता है, उतना ज़्यादा वो होता नहीं है गाइस, रेयर नहीं होता वन चंक के अंदर। वैसे सर्वाइवल सीरीज के अंदर तो जैसे अगर आप नूब हो, जैसे पहली बार स्टार्ट किया आपने माइनक्राफ्ट, तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी, अगर आप प्रो हो तो ज़्यादा खुशी नहीं होती। तो गाइस पहले हम इन सब चीज़ों से कुछ नहीं बना सकते, फिर हम इसको कैसे मारे, मैं इसको डायमंड के साथ मारता हूँ। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब बच्चा गाइस, वहाँ पे कुछ ज़्यादा कुछ था नहीं तब मैं आ गया, और यहाँ पे बहुत सारे केक है गाइस जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। हम यहाँ से जितना भी केक है वो सारा ले चलते हैं हमारे साथ, हीलिंग के काम आएगा। हमने केक तो कलेक्ट कर लेना, केक कहाँ पर गया गाइस, केक अच्छा हमको यहाँ ही खा सकते हैं, और यहाँ भी नहीं खा सकते। पिकैक्स से मान करें तो नहीं मिलता, पता नहीं होता इस केक कैसे ले सकते हैं, अंदर भी केक ही केक। अरे यार मेरे को थोड़ा यहाँ पे इंतज़ार करना है, मैं तब तक देख लेता हूँ नीचे है क्या और क्या क्या है। और नीचे एक बहुत ज़्यादा गंदा वाला मॉब स्पॉनर है जिसको मैं आराम से तोड़ सकता हूँ। और गाइस यहाँ से मेरा वुड का तो इंतज़ाम हो गया, यहाँ से मेरा वुड का तो इंतज़ाम हो गया गाइस, मैं ये पूरा का पूरा घर ही तोड़ देता हूँ, वुड का सारा इंतज़ाम हो गया, वुड तो मैं ऐसे ही तोड़ दूँगी। गाइस इनके वुड से ना गोल्ड की थोड़ी सी चीज़ें बना लेते हैं गाइस, गोल्ड तो जल्दी टूट जाता है, फिर क्यों ही बनाना है रहने गोल्ड की चीज़ें बनाना, इसमें कलेक्ट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, बिल्कुल मेंटल तो फुली है। इसको बात कर देते हैं बात, और इनसे मैं काम करता हूँ थोड़ी सी स्टिक्स बना लेते हूँ, प्लैंक्स तो ऑलरेडी है, स्टिक्स बना लेते हैं। इन स्टिक्स से मैं एक बो भी बना सकता हूँ, मेरे पास स्ट्रिंग है गाइस, मेरे पास स्ट्रिंग भी है, तो मैं एक बो के लिए भी क्राफ्टिंग टेबल चाहिए ना, मैं काम तो बो भी बना लेता हूँ, हेल्पफुल होती है वैसे बो। जैसे मुद्रा का और यहाँ से एक ही बो बना लेता हूँ, तो दो काफ़ी है, बहुत अपने काम से बना लेता हूँ, थोड़ा सा टॉर्च बना लेता हूँ, मेरे टॉर्च में
एक दो तीन चार, उसके बाद में चावल बना लेते हैं मेरा भाई। अच्छा कुछ नहीं होगा, एक समय भारी फेंक दिया फालतू के ब्लॉक से नहीं थी। तो ठीक है, फिर अभी हम नीचे इसको भी नहीं करते हैं। मुझे पता नहीं मैंने मैं एक एक्स बना लेती हूँ, एक्स भी क्या सीधा गोल्ड की बनाते हैं गाइस। ये सैंड फेंक के गोल्ड की एक एक्स ले लेते हैं। गोल्ड की चीज़ हमको ज़्यादा यूज भी नहीं करनी है क्योंकि गोल्ड की चीज़ें फास्ट देखो भाई कितनी होती है, पर इनकी जो हेल्थ है ना वो भी इतनी जल्दी जल्दी जाती है। इनकी क्राफ्टिंग टेबल यहाँ से हमको जाना है थोड़ा सा नीचे। मैं टॉर्चेस लगाए जा रहा हूँ, अंधेरा हो ही जा रहा है भाई साहब। नीचे है क्या, मैं फिर से देख लेता हूँ। मेरे पास एक शवल तो है गोल्ड की, मैं शवल यूज कर लेता हूँ। शवल तो नहीं है, शवल मैंने बनाई भी नहीं है। मेरा इस नीचे पता नहीं क्या है, पर जो भी है मेरे को थोड़ा सा खतरनाक सही लग रहा है गाइस। और ये ब्लॉक थोड़ा मैं गया नीचे तो जाते ही हैं नीचे। अरे ये कौन सी जगह है यार, अलग सी अपनी। पहले हम खा लेते हैं, अभी बढ़ते आगे। यहाँ पे पता नहीं क्या है ये गाइस, इसके अंदर नीचे जाने का भी ऑप्शन है। इससे नीचे क्या है, ये कौन सी जगह है यहाँ। मेरे को यहाँ पे थोड़े से टॉर्च लगाने चाहिए, थोड़ा सा अंधेरा है यहाँ पे। और यहाँ पे टॉर्च तो ऑलरेडी लगाई हुई है। ये तो कैसे एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है, खुल रहा है अभी शायद। यहाँ पे एक ट्रैप था, ये किसका कॉल आ गया। और अभी मेरे को उस चेस्ट को खोलना है, वो भी पता नहीं मैं कैसे खोलूँ, पर शायद ये ट्रैप गाइस एक्टिवेट हुआ है। गाइस वहाँ पे थोड़ी सी वेब लगाई हुई है गाइस, यहाँ पे भी लगाई हुई है जहाँ तक मेरे को पता है। यहाँ पर तो नहीं लगाई हुई, नहीं काम करते गाइस, इन्हीं को ही तोड़ देते हैं। इनमें से गाइस जितना भी एरो है ना वो हम ले लेते हैं। इनके अंदर से जितना भी एरो है गाइस वो हमको चाहिए। एरो हमारे बहुत ज़्यादा काम आ से। वुडन की पिकैक्स फेंक देते हैं, ये ले लेते हैं, ये हुई ना बात। मैं चेस्ट को तो यहीं से खोल सकता हूँ। वह चेंटेड गोल्डन एप्पल मेरे पास हो गए तीन तीन, ये हो गया पोर्शन ऑफ नाइट विजन, इसका मैं क्या करूँगा। तो और एक काम करते हैं, हमारी इन्वेंट्री इसी के अंदर कचरा वाली इन्वेंट्री बना देते गए हम इसको। यहाँ फेंक दिया, ये भी फेंक दिया, ये भी कुछ काम का नहीं है, काम के कभी भी काम आते हैं। और बाकी के और तो ज़्यादा कुछ है नहीं मेरे पास फेंकने वाला। ये वीट तो नहीं, वीट तो नहीं, इसे खाना मिल सकता है हमको। ये भी फेंक देते हैं, ये भी फेंक देते हैं, बाकी ये सब तो हमने खोल लिया। मेरे को ना गाइस वहाँ से ये हुई ना बात, चाहे कुछ ही हो जाए। नहीं नहीं भाई मेरे को एरो तो मेरे पास है, एरो तो मेरे को मिल ही गई। अब गाइस हम चलते हैं आगे, इस ट्रैप्ड वाली जगह से तो आगे चलते हैं गाइस। मैं यहाँ पे ऊपर जाने के भी दो रास्ते, तो हम ऊपर भी जाकर देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। कुछ खजाना वजाना हुआ तो ले लेते हैं। तो कोई भी खजाना नहीं है जी, क्या चीज़ है मैं भी नहीं। मैं काम करते हैं ऐसे नीचे जाते हैं, यहाँ पे नीचे जाने का भी एक ऑप्शन था ना, उधर जाकर देखते हैं, फिर देखते हैं क्या है इसके अंदर। और गाइस वीडियो थोड़ी सी लंबी बन रही है गाइस, सॉरी फॉर डैट। और ये क्या है, नीचे जाने का रास्ता तो था ना यार, कहाँ पर गया यार। मैंने देखा था एक नीचे जाने का भी रास्ता था, मैंने जहाँ से भी खोदा था वहाँ से।
ये तो मैं अंदर ही आ गया सीधा। पता नहीं नीचे जाने का रास्ता तो था यार, पता नहीं कहाँ पर है अभी। पहले मैं ऊपर से देखता हूँ मैं कहाँ से आया था। हाँ मैं यहाँ से आया था, यहाँ पे तो नीचे जाने को भी रास्ता नहीं। शायद मैंने ऐसे ही बस सोच लिया था, ऐसे ही चलते हैं नीचे ग्लिच वगैरह के कारण। चलते हैं नीचे नीचे और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे। वॉइड है क्या सीधा? वॉइड कैसे होगा कैसे? तो वन चंक सर्वाइवल है। तो मैं कहाँ पे टॉर्च लगाऊँ ये नहीं समझ में आ रहा है। नीचे तो क्या सीधा वॉइड लग रही है मेरे को, नीचे तो क्या सीधा वॉइड है नीना, नीचे शायद सीधा वॉइड ही है गाइस। गाइस थोड़ी बहुत तो क्रिएटिव चलती है गाइस, मेरे को बस चेक कर कर आना है नीचे क्या वॉइड है। इसके अंदर एंडर ड्रैगन को नहीं माना होता, मैं अभी चेक कर कर आता हूँ गाइस। ये क्या मैंने अभी तो क्रिएटिव में किया है, मैंने अभी तो क्रिएटिव में किया है। शायद हम इसके अंदर क्रिएटिव में हो ही नहीं सकते, या फिर नीचे है क्या? जंप लगा कर देखा जाए, यार नीचे कुछ ना कुछ तो है। पता करने के लिए नीचे सत्य में कुछ ना कुछ है, पर वो इस तरफ नहीं है गाइस, वो उस तरफ है। हम उस तरफ जाते हैं ऊपर ऊपर। हाँ मेरे को पता चल गया किस तरफ है। थोड़ा सा इधर 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 थोड़ा सा और आगे, हम यहाँ से अगर आए तो शायद हमको जगह दिख सकती है। बस वैसे साथ ही टॉर्च पड़ी है, पर फिर भी मैं इनको यूज़ कर ही जा रहा हूँ। मेरी पिकैक्स भी जाने वाली है आयरन की। मैं यहाँ से नीचे दिख करके देखता हूँ। हाँ यहाँ पे है वो जगह, ये हमारी जंप। ये क्या है यहाँ पे? ये क्या है गाइस? मैं तो डायरेक्टली सीधा धरती पर आ गया। ये धरती है डायमंड के फेदर फॉलिंग वाले? नहीं नहीं भाई मैं डायमंड्स के लगा लेता हूँ। वाह एकदम फुल इंटेंटेड वाले मिल गए गाइस। पर ये मैं कहाँ पर आ गया? मैंने शायद पता नहीं कहाँ यहाँ यहाँ से डिग किया था। मैं सीधा यहाँ पर नीचे जाकर देख कर आना गाइस। मैं को यहाँ पर जगह बना लेता हूँ सांस लेने की। मैं क्राउच करके देख लेता हूँ। अभी हम जाते हैं गाइस नीचे, और नीचे ऑलरेडी एक होल है। यहाँ पे ऑलरेडी एक होल है। नहीं यार यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है। ये क्या चल रहा है जैसे में? नहीं यार ये क्या जैसे में यहाँ पे? ओ नीचे तो कुछ अलग सा ही है। ये क्या ते नहीं मारा मैंने? ये ब्लास्ट प्रोटेक्शन नहीं रखते हूँ। ये दो इंचेंटेड गोल्डन एप्पल, इंचेंटेड गोल्डन एप्पल्स ही गोल्डन एप्पल्स मिल रहे हैं। यहाँ पे सामने आगे आगे यहाँ पे मैंने लगाए थोड़ी बहुत टॉर्चेस। अभी मैं फिर से यहाँ से नीचे माइन करूँगा। ये सीधा एंडर ड्रैगन के पास आ चुके हैं गाइस हम लोग। बच गया भी, क्या था ये? यहाँ पे एक स्पॉनर लगा हुआ था, इसमें जल्दी से इनके स्पॉनर को ही तोड़ देता हूँ। ये मेरी स्वॉर्ड से मरी है ना?
ये टूट भी गया, क्या स्पीड से टूट रहा है। और वहाँ पे चेस्ट 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 नेदरराइट की स्वॉर्ड और एक्स भी देखो भाई साहब, लेगिंग्स, सारा कुछ सारा कुछ सारा कुछ। ये मिल गया मेरे पास नेदरराइट की स्वॉर्ड कैसे मिल गई यार, मेरे को इम्पॉसिबल सा लग रहा है। और एनविल भी है गाइस, एंचेंटमेंट करते हैं, फायर एसेक्ट, ओ सारा कुछ एंचेंट भी कर सकते हैं यार, मस्त है। अभी मेरे को इन सब में से बहुत कम चीज़ों की जरूरत है, और एंचेंटेड गोल्डन एप्पल ले लेते हैं बस। और वहाँ पे मेरे को ये भी दिखा था वहाँ पे, अरे यार मैं चेस्ट को खोल रहा ना कि मेरे इन्वेंटरी को। हाँ ये अनब्रेकिंग भी है, तो अनब्रेकिंग पता नहीं किस पर लगाएंगे, तो लगाएंगे जरूर। ये रहा हमारा एनविल, तो ये एंचेंटमेंट फायर एक्सेप्ट की, तो फायर एक्सेप्ट लगा लेते हैं इसके अंदर। और ये है प्रोटेक्शन फोर की, तो इसके अंदर तो ऑलरेडी है, तो प्रोटेक्शन फोर हमारे काम का है। हम हमारी लेगिंग्स निकाल के इसको एंचेंट कर सकते हैं, निकाल ली। और ये हो गया नहीं गैस, और यूस, अरे स्माइट फाइव भी था, हाँ स्माइट फाइव तो आराम से लग जाएगा। ओ हाँ एंचेंटमेंट कॉस्ट भी तो चाहिए होती है, ये लगा दी एंचेंटमेंट कॉस्ट 6। अरे यार मैं बस इसके अंदर तो क्या लगा के मैं क्या ही करूँगा, कोई नहीं गैस। फायर एक्सेप्ट लग गया सही है, अनब्रेकिंग 3 भी नहीं लगा सकते। अरे नहीं यार मेरे को स्माइट 5 लगाना था, कितनी ज़्यादा पावर हो जाती हूँ लेकिन। तो ओके गाइस, तो हम हमारी बाय गाइस, तो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर एंडर ड्रैगन को मारेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, लीव अ लाइक इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो, बाय।